दारू पीता है, एक भट्टी है। आज मेरा भाई ड्रिंक दारू नहीं पीता, आज मेरा भाई ड्रिंक भी नहीं किया हुआ था, ड्रिंक करना भी नहीं था मेरा भाई, कुछ भी आज ने ड्रिंक किया, एक बूंद भी नहीं। घनवाड़ी के मलाह बस्ती निवासी पंकज निषाद को सिर पर लाठी से मारने से उसकी मृत्यु हो गई। घटना दुर्गापुर खटाल के समीप झरिया बलियापुर मुख्य मार्ग के समीप हुई। सड़क किनारे मिले खून के धब्बे घसीट कर रोड पर लाया गया था। धनबाद पीएमसीएच ले जाने के बाद उसकी मृत्यु हुई। किसने मारपीट की है और क्यों मारा गया है इसका पता नहीं चल पाया है। घटनास्थल पर घनवाड़ी ओबी प्रभारी पवन कुमार, तीसरा थाना प्रभारी सुमन कुमार पहुंचे। परिजनों का आरोप है कि मूर्ति विसर्जन के दौरान मारपीट की घटना हुई है। पुलिस ने कहा कि किसने मारपीट की है इसकी छानबीन की जा रही है। दारू पीता है, एक भट्टी है। आज मेरा भाई ड्रिंक दारू नहीं पीता, आज मेरा भाई ड्रिंक भी नहीं किया हुआ था, ड्रिंक करना भी नहीं था मेरा भाई, कुछ भी आज ने ड्रिंक किया, एक बूंद भी नहीं। दारू नहीं, जैसे घटना है कि उसको मार के फेंक दिया, उसको पंकज कुमार रोड पर, पंकज कुमार निषाद को प्रशासन देखते रह गया, कोई प्रशासन नहीं निकला। बोला मेरे भाई, भाई एक लौता भाई है मेरा, अभिषेक कुमार निषाद नाच रहा था मूर्ति विसर्जन में, बस यही घटना हुआ, कुछ नहीं। घनवाड़ी शिव मंदिर के पास विसर्जन हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद हम तो दूसरा जगह में रह रहे थे, मौसी घर में, मम्मी लोग, बूढ़ा मेरा बाप है, वह अपाहिज है, कुछ नहीं कर पाते। कितना उम्र है वो पंकज का 25 अभी क्या स्थिति है भाई आपका? स्थिति है वही, अब नहीं रहा दुनिया में। ठीक है, आगे टॉयलेट रख दीजिए, बस बस काफी है। पेट्रोल नहीं लेकर आए? नहीं, पेट्रोल नहीं।